आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाला चावल के आटे का डोसा। जब भी आपका कुछ कुरकुरा चटपटा खाने का मन हो, ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे बिना इनो, बिना दही, बिना सोडा के झटपट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीएम रसोई में। डोसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मिक्सिंग बाउल लिया है। इसमें हम एक कटोरी चावल का आटा डालेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, बहुत ईजिली पीस जाता है। ये मैंने आधा छोटा कटोरी सूजी ली है, सूजी को मैंने पीस लिया है। इससे बहुत ही कुरकुरे बनते हैं डोसे। और ये स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दिया है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। और पानी डालकर हमें इसे अच्छे से इस तरह से मिलाते जाना है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह करने से इसमें लम्स नहीं आते हैं। और पानी डाल दिया है और इसे मिक्स कर लिया। ये देखिए, इसमें एक भी लम्स नहीं आएंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब हम इसमें और पानी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इस बैटर को हमें पतला ही रखना है, गाढ़ा नहीं करना है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल पतला हो गया है। तो इसी तरह का हमें बैटर तैयार करना है। अब हम इसमें सब्जियाँ मिलाएंगे। तो ये मैंने सभी सब्जियों को काट के रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पत्ता गोभी, दो कलर की मैंने शिमला मिर्च लिया, इसे बारीक काट लिया, धनिया की पत्ती लिया है, और प्याज लिया है, करी पत्ते लिए हैं और हरी मिर्च ली है। सभी चीज़ों को मैंने बारीक काटा है। सब्जी आप अपने मनपसंद की कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आप इसमें गाजर, पालक, ये जो भी पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये बैटर बिल्कुल तैयार है। तो गैस पर मैंने तवा चढ़ा दिया है और इसमें हम ऑयल लगाएंगे। चारों तरफ हम इसमें अच्छे से लगा देते हैं। और अब हम एक कटोरी में बैटर लेंगे और इसे चारों तरफ फैलाते हुए इस तरह से डाल देंगे। तो ये देखिए, कितना बढ़िया जालीदार बना है डोसा। ये देखिए, ये सूखने लगा है। तो अब हम इसमें ऑयल लगा देते हैं। ये बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे सेक दिया है। ये 2 से 3 मिनट हो चुका है, इसने किनारों को अच्छे से छोड़ दिया है। तो इसे हम पलट लेंगे। कितना बढ़िया बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसे 1 से 2 मिनट पलट के भी सेकेंगे ताकि ये बढ़िया सा सिक जाए। तो ये देखिए, मैंने इसे दोनों तरफ से सेक लिया है। ये डोसा बिल्कुल बढ़िया सा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, इसी तरह से हम सभी डोसों को सेक लेते हैं। तो फिर से हमें ऑयल लगा देना है। आप इसे बिना ऑयल के भी बना सकते हैं, आसानी से पलट जाता है। ये दूसरा भी डाल दिया है, इसे भी हम ऊपर से ऑयल लगा देंगे। ये देखिए, कितना बढ़िया देखने में लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आपको कुरकुरा ज़्यादा करना है तो आप इसे थोड़ी देर और सेक लीजिएगा तो ये कुरकुरा हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हम पलट लेंगे। कितना बढ़िया हमारा डोसा सिका हुआ है। इसी तरह से हम सभी डोसों को बना लेते हैं दोनों तरफ से पलटते हुए, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप एक बार बनाइएगा, और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट, डिनर कभी भी बनाइए, बहुत पसंद आएंगे। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे नारियल की चटनी, चने की चटनी या फिर टमाटर की चटनी किसी के साथ भी खाइए, बहुत पसंद आएगी। तो यदि आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन की बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।